हेलो, गुड मॉर्निंग टू डी स्टूडेंट्स। आपका इस चैनल पर हार्टिएस्ट वेलकम। और आप देख रहे हैं चैनल माइंड योर साइंस। मई के फर्स्ट वीक के अंदर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बैठ के बनाई। उस टाइम कोविड के कारण सब लोग घरों में बैठे थे, तो मेरे को वैसे ही बैठे बैठे एकदम आइडिया आया कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन शायद नहीं मिल पाएगी इस साल एडमिशन के कारण, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनको एडमिशन का फॉर्म के डेट्स वगैरह नहीं पता लग पाते। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बहुत ही हाई रेट से सक्सेसफुल रही मेरे चैनल के ऊपर, जिसका कम से कम 1000 व्यूअर्स ने उस वीडियो को देखा। और टाइम टू टाइम मैं उनको गाइड भी करता रहा, उनकी क्वेरीज आती रही, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया और लगभग 15 लोगों ने उस वीडियो को देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत ही अच्छा आप लोगों का सहयोग मिला, थैंक यू। उसके बाद मैंने एक लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई और बच्चों को और इन्फॉर्म करने के लिए मैंने एक और वीडियो शेयर की, जो कि पिछले 4-5 दिन पहले मैंने अपलोड की। उसका भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस मिलने का मतलब ये है कि आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है। तो आज हम फॉर्म भर के एक पड़ाव पार कर चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, दैट इज़ टू टेक एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आज ये लाइव मेरा लेक्चर आप देख रहे हो, वो फ़ोन से रिकॉर्डेड मैसेज था। आज मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और आज का मेरा जो ये पूरी डिटेल्स बताऊँगा मैं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा, और भी जो क्वेरीज है नो प्रॉब्लम, कॉमर्स से है, लॉ से है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आज का जो विषय है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट टेस्ट 2020, इसकी कुछ टिप्स बताऊंगा मैं आपको। टू टेक, क्यों तुम कहोगे सर क्यों, टू टेक एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसकी एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है हमारे साइंस के बच्चों के लिए 25 जून है और फॉर्म भरने की सिर्फ एक ही दिन आज शेष बचा है। जो इस वीडियो को भी दोबारा देखेंगे, वो पुराने वीडियोस मेरे देखकर फॉर्म भरने का प्रोसीजर वगैरह सारा डाला हुआ है मैंने, वो वहाँ से नोट कर लेंगे। और अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म आज ही लास्ट डेट है, आज ही भर लें। अब फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस टेस्ट होना है और एंट्रेंस टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या उसमें रहेंगे, उसके बारे में मैं कुछ शॉर्ट व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। सबसे पहले जो पेपर रहेगा सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बाकी भी हैं, मैथमेटिक्स वगैरह भी हैं, आप सोचोगे सर यही बता रहे एक्सेट्रा, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। अब अलग अलग विषय, इसका जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ, इसका जो हमारा क्वेश्चंस रहेंगी वो रहेंगे 60 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे 120। तो आप समझ गए कि दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो तभी बना हमारे 120 मार्क्स। बड़ी सिंपल सी बात है। क्वेश्चन के बाद आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई सर टाइम कितना रहेगा, टाइम रहेगा 70 मिनट्स। लगभग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1.16 मिनट का समय रहेगा, मतलब 60+16 76 सेकेंड्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन हल करने का। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, जब आप तैयारी करेंगे तो आपका
टारगेट जो है वो तभी अचीव होगा जब आपको इसकी ब्रीफिंग पता होगी। तो कोई भी काम करने से पहले अगर हम उसका प्लान बना लेते हैं तो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जब प्रिपरेशन करते हैं बच्चे तो उनको पता ही नहीं होता भाई नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत अटेम्प्ट हो गया तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे टोटल में से। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दें, तो उसमें क्या है, 0 नंबर लगेंगे, माइनस तो नहीं होंगे, तो 0.5 मार्क्स माइनस नहीं होंगे। तो इससे क्योंकि पॉइंटों के हिसाब से मेरिट बननी है और पॉइंटों के हिसाब से आपके एडमिशन्स होने हैं, तो प्योरली ऑन मेरिट बेसिस ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट आपका एडमिशन होना है। तो ये मैंने आपको कुछ ब्रीफ बताए और इसके साथ मैं कुछ ब्रीफ आपके साथ वैसे शेयर कर देता हूँ जो कि बहुत ही जनरल होता है। ये मेन था जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। अब शॉर्ट में बता देता हूँ, बुकलेट होगी, एंट्रेंस टेस्ट आपने दिए हैं, बुकलेट को आपने हाफ एन आवर पहले पहुँचना है, पहले फिलअप वगैरह करना है, और जैसे कि अब क्योंकि प्रिकॉशनरी है मास्क भी लेके जाना है, सैनिटाइजर्स भी लेके जाने हैं, और उसके बाद आपने एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपने बुकलेट और एक उसके अंदर ही डला होगा ओमार शीट। ओमार शीट तो जानते ही हैं ना, जिसके अंदर हमें ऑप्शंस करने होते हैं। जो फिलिंग है हमारी ओमार शीट की वो ब्लू और ब्लैक पेन द्वारा ही करनी है, जेल पेन, डोंट यूज़ एनी अदर पेन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश, क्योंकि पेपर इंग्लिश में होगा तो आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए जाएंगे, ऑप्शंस भी इंग्लिश में होंगे, और ऑप्शंस होंगे कितने, ए बी सी डी। क्वेश्चंस बता चुका हूँ क्वेश्चंस कितने होंगे, पहले ही बताया 60 क्वेश्चंस होंगे। तो पहली बुकलेट मिलते ही सबसे पहले चेक कर लेना सारे पेजेस, लास्ट क्वेश्चन देख लेना 60 तक है कि नहीं है, और उसके बाद ओमर शीट के अंदर भी डिटेल्स भरते हुए, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब वो फिलिंग करते हुए। इसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो उसको अटेम्प्ट मत करें, उसको ब्लैंक छोड़ दें। कई बार क्या होता है कि भाई तुक्का मार देते हैं, तुक्के मारने पर आपका अगर वो गलत गया तो 0.5 माइनस कर दे, अगर सही गया तो फिर तो फ़ायदा है, लेकिन गलती होने, क्योंकि साइंस है इसमें, कोई आप ऐसे कि बैठे तुक्के मारेंगे, तुक्के वाली तो बात ही नहीं है इसके अंदर। तो आंसर्स अगर एक्यूरेट नहीं है तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें। बताया मैंने, नेगेटिव मार्क्स इज अडॉप्टेड, दैट इज 1/4 ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन हुज आंसर इज रॉन्ग। एंटर द एग्जामिनेशन हाफ एन आवर बिफोर, नो इक्विपमेंट्स लाइक मोबाइल, वायरलेस गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। और इस तरीके से आपने जो मैंने बताया, ये ब्रीफ आपके साथ किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए मैंने वीडियो शेयर किया, और पेपर्स इसके अवेलेबल है साइट के ऊपर। जिन बच्चों को अगर पेपर ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जीमेल आईडी मुझे सेंड कर देना या व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना, तो मैं उनको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर्स के। तो इस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी इस वीडियो के अंदर, और कैसा लगा ये वीडियो मेरा आपने ज़रूर मुझसे शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। और मैंने ये भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको मैंने बताया कि अगर किसी को पेपर डाउनलोड करने की दिक्कत आ रही है तो यू सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, तो आई विल सेंड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू यू ऑल, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, सभी को आपका नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू, थैंक यू।
फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।